अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए ज्योग्राफी। दोस्तों अभी कुछ देर पहले एंट्रेंस हुआ है, मैंने कल आपको उसकी आंसर की भी यहाँ दी थी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ क्या क्या रहेगी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। दोस्तों अगर आपने टेस्ट दिया था इसको तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा, मैं बताऊंगा आपको इन डिटेल के पेपर का यहाँ लेवल कैसा था। दोस्तों उन बच्चों के लिए जो पढ़ के गए थे, जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, उनके बारे में मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वेट मत करिए, लाल वाला बटन वहां लगा होगा दबा दीजिए, उसके बाद घंटी का बटन भी आएगा उसको भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों पेपर के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ उसका ओवरऑल लेवल दोस्तों कैसा था। दोस्तों ओवरऑल लेवल मेरे हिसाब से दोस्तों पेपर आसान था, इसको बिल्कुल भी मुश्किल आप नहीं कह सकते। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट हु वेंट इन फॉर दिस एग्जामिनेशन वेल प्रिपेयर्ड, जो सिर्फ देने चले गए थे टेस्ट, ये ऐसे हल्का फुल्का लगा कुछ भी हो जाएगा, उनके बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों पेपर जैसा मैंने बताया ओवरऑल दोस्तों आसान कैटेगरी में मैं रखूंगा इसको। इसमें से आप मेरे हिसाब से अगर मैं पूरा ले लूँ तो 60% स्टूडेंट को आराम से कर लेना चाहिए जो पढ़ के गया था उसको, मैं ये बता रहा हूँ आसानी से। बाकी जो बच्चे और जिन्होंने काफ़ी डिटेल पढ़ के गए होंगे, और पहली बात तो पेपर इतना अंदर से आया भी नहीं है तो ज़्यादा आपको डिटेल, लेकिन आपने अगर मेन किसी ने आपको गाइड किया होगा कि जिसने पहले से ऑनर्स कर रखा है मास्टर्स कर रखा है तो आप ये पेपर को आप भी कहेंगे पेपर आसानी था। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ के गए हूँ यही कह रहे थे ये पेपर आसान आया था। दोस्तों मैंने दोस्तों इस पेपर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ही आसान था, उसमें लगभग मैंने 45 to 50 जो सवाल थे 45 मानूंगा वो बहुत ही आसान था। और दोस्तों उसके अलावा लगभग 30 to 35 दोस्तों जो सवाल है यहाँ पर लगभग 35-40 मान लीजिए आप दोस्तों, वो थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्ट है, वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट है। हाँ 10 से जो 15 सवाल थे वो थोड़े से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट, थोड़े से ज्यादा बस यही है, क्योंकि हमें डिवाइड तो करना होता है, एक लेवल देना होता है ना चीजों को, इसलिए मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ, अदरवाइज ओवरऑल इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। दोस्तों अब यहाँ पर पहले मैं आपसे बात करता हूँ कुछ सवाल जो बड़े ही आसान थे वो कौन कौन से थे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों जो बुक्स के नाम आए हैं वो सवाल आसान होते हैं, कुछ ही नहीं करना होता आपको, ना सोचना होता उनके बारे में, फौरन आप उसका आंसर कर देते हैं। टॉलमी की बुक आई थी या दोस्तों उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये थ्योरी किसने दी, तो इन दीज क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू थिंक इवन फॉर अ बिट, आप देखते ही इसका आंसर लगा देते हो। दोस्तों ये सवाल आसान था, आरएफ का सवाल दोस्तों आया था आसान था, कोरिलेशन किन दो नंबर के बीच में होता है बहुत ही आसान था दोस्तों। उसके अलावा आप काजीरंगा पार्क कहाँ पर दोस्तों आसान था, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है दोस्तों ये आसान था। तो उसके अलावा किताबुल हिंद वाला सवाल दोस्तों आसान था, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऐसे और सवाल थे दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा आसान थे, उनको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ऐसा सवाल आया था यूएई में जो आपका लो रेशियो है उसका क्या रीज़न है, तो ये सवाल दोस्तों आसान था, ये सवाल दोस्तों। उसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा सवाल है, पूरा मैं बताऊंगा आपको एक सवाल तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो थोड़े मुश्किल सवाल लगे मुझे दोस्तों वो था जैसे कि सेकंड सवाल था सेंसस टाउन की डेफिनेशन दोस्तों, वो सवाल मुश्किल था दोस्तों। वरामिहिर वाला सवाल मुश्किल था दोस्तों, चार जो आपके स्टेटमेंट आए थे वो मुश्किल थे दोस्तों। किसानों वाला जो अभी आपका मूवमेंट वाला जो सवाल था वो शायद बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, वो सवाल थोड़ा मुश्किल था दोस्तों। ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट अभी आई है कुछ दिन पहले, लोग शायद नहीं सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी में वो करंट अफेयर भी आ जाएगा, ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल था दोस्तों। उसके अलावा जो आपके स्टेटमेंट जैसे वो था आपका मतलब रेसिक्वेंट दोस्तों जो स्ट्रीम वाला सवाल था जो साथ साथ बैठेंगे दोस्तों, वो सवाल थोड़ा मुश्किल था दोस्तों। इसके अलावा ऐसे आप थोड़े सवाल देखेंगे तो 15 से 20 सवाल आपको ऐसे दिख जाएंगे जो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट थे, मतलब थोड़े से ज़्यादा ऐसे अगर बात करें दोस्तों। उसके अलावा बाकी दोस्तों जो सवाल थे लगभग 40-45 दोस्तों होगा और 35 वो दोस्तों ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ है। दोस्तों पेपर को देखते हुए बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ किस कैटेगरी में कितनी रहने की उम्मीद है। दोस्तों मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी में दोस्तों अगर मैं यहाँ देखूँ जो कट ऑफ, तो मुझे लगता है कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों 65 से 70 के बीच में रहना चाहिए दोस्तों।
तो बात करते हैं जो मुस्लिम कैटेगरी, दोस्तों मुस्लिम कैटेगरी में भी जो कट ऑफ दोस्तों वो बहुत कम नहीं रहने वाली है। यहाँ भी दोस्तों इन माय ओपिनियन 63 से लेके और 60 या 62-65 आप मान सकते हैं, इससे कम कट ऑफ रहना दोस्तों बहुत मुश्किल है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पहली लिस्ट की, फिर जो कट ऑफ नीचे आती जाती है उनकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो फिर बच्चे कहीं और ले लेंगे, अभी JNU का टेस्ट होगा वहां ले लेंगे, और जगह ले लेंगे एडमिशन, उससे फिर वो नीचे आ सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो पहली लिस्ट होगी, फर्स्ट लिस्ट। तो उसके अलावा बात करते हैं मुस्लिम वुमेन। दोस्तों मुस्लिम वुमेन की अगर कट ऑफ के बाद दोस्तों यहाँ भी मेरे ख्याल से 57-60 के अराउंड दोस्तों यहाँ कट ऑफ इस कैटेगरी में रह सकती है। दोस्तों बात करते हैं मुस्लिम ओबीसी एसटी। दोस्तों यहाँ भी जो कट ऑफ है मेरे ख्याल से उसको 55 से 60 के बीच में रहने की उम्मीद है। दोस्तों लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ जो कि है JNK। दोस्तों JNK दोस्तों जो है कैटेगरी, यहाँ दोस्तों कट ऑफ जो है यहाँ भी 55 से कम पहले लिस्ट के अंदर इन माई ओपिनियन नहीं रहने वाली है। दोस्तों बाकी PWD दोस्तों जो कैटेगरी होती है वहां दोस्तों जरूर आपके 40-45 पे हो जाएगा, बस वहां दोस्तों कट ऑफ काफी मतलब कम रहती है। लेकिन जो जो मेजर कैटेगरी थी दोस्तों वहां मेरे ख्याल से पहली लिस्ट के अंदर दोस्तों 55 से कम जो किसी भी कैटेगरी में नहीं रहेगी। दोस्तों ये था मेरा पेपर के बारे में एक मतलब पूरा मैंने बताया आपको डिटेल कि पेपर इसका लेवल कैसा था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगा मैंने आपकी हेल्प की, आपको लगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना 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 भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।